आज मकर संक्रांति का महापर्व देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन घाटों में सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों से घाटों में ना जाने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि एकाएक कोरोना संक्रमण जो है अब देश में पैर पर सारते हुए नजर आ रहा है, और इसी को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर है। और अब ऐसे पर्व में लोगों से इकट्ठा होने के लिए एक जगह पर मना किया जा रहा है, और ये पर्व ऐसा होता है जब लोग मिलजुल के इस पर्व को एक साथ मनाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दौरान इस पर्व में घाटों की ओर सन्नाटा छाया हुआ है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है कि आप घाटों में ना जाएं, अगर आप जाते हैं तो वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। यह बड़ी खबर और वाराणसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज देश भर में मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं जहां पे दूर दराज से लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, उज्जैन जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, इस बार जो है वो तस्वीरें कुछ अलग ही है, क्योंकि प्रशासन जो है लोगों से अपील कर रहा है कि घाटों में मत जाइए, एक जगह इकट्ठा मत होइए, क्योंकि इससे कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन लोगों से विनती करते हुए नजर आ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश जुड़ चुके हैं वाराणसी से। आकाश, वाराणसी एक जगह है जहां पर दूर दराज से लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, और इस पर्व में तो खास करके इस बार की तस्वीरें कैसी हैं और प्रशासन जो है किस तरह से इस पर नजर बनाए रखा है? मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है कि नए वर्ष के शुरुआती दौर में सबसे पहला पर्व यही वजह है कि हिंदू धर्म के जो लगाव वाले लोग हैं वो लगातार काशी में आते हैं या प्रयागराज जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि प्रवेश करते हैं, उसके बाद संक्रांति लगती है, खरवास खत्म होता है और लग्न का समय आता है। मैं घाट के पास मौजूद हूँ, तस्वीर में आपको दिखा दू की सामने रास्ता दिख रहा है, वहां से लोग दर्शन करके स्नान करके दान पुण्य करते हुए बाबा विश्वनाथ के दरबार में जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का भी खतरा है, लोग लापरवाही भी दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन बाहर की गेट के पास लोगों से जबरदस्ती मास्क लगवा के अंदर प्रवेश कर रही है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही तो देखिए आप किस तरीके से, कोई लोग देखते हैं कैमरा देखते हैं, जेनिस की माइक देखते हैं, लोग मास्क लगा लिए, लेकिन देखिए अधिकांश लोग लापरवाही जता रहे हैं। हालांकि आस्था क्या है उसके लिए लगातार सोशल डिस्टेंस के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग का बना थी वो भी लगातार अलर्ट है, घाटों पर लोगों को चेता रही है, बार बार आगाह कर रही है, लेकिन इस तरीके से कोरोना का खराब पड़ रहा है, आप लोग गलत हैं, त्यौहार मनाए पर्व मनाए लेकिन सोशल डिस्टेंस और कोरोना का गाइडलाइन करते हुए करें। जी आकाश, और जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं देख रहे हैं हम कि लोग पहुंच रहे हैं गंगा घाट में स्नान करने के लिए, लेकिन क्या लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सरकार जो प्रशासन है बार बार उनके हितों के लिए ये बात कह रही है कि घाटों में ना जाएं और इस पर्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं? देखिए बनारस की बात की तो बनारस में केवल लोगों को आगाह किया गया, गाइडलाइन बनाया गया कि आप घाट पे जाइए, पर्व ऐसा नहीं कि पर्व अपना बनाइए, लोगों को मना नहीं किया गया, लेकिन लोगों को बार बार चेताया गया कि कोरोना काल है, आप लोग सोशल डिस्टेंस शारीरिक दूरी का प्रयोग करते हुए आस्था की नगरी काशी में पर्व बनाए। और लोग यही वजह है कि लोग दूर दराज से काशी में आए, और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जितने लोग हैं इसमें से अधिकांश लोग के चेहरे पे मास्क नहीं है, तो टीका चंदन तो है, मास्क नहीं है, मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। भाई साहब कहाँ से हैं आप? बनारस से है, आपको ये नहीं मालूम कि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और मास्क नहीं लगाए है? सॉरी हमें ना बोली, अपने घर वालों को बोलिए, क्योंकि आप संक्रमित होंगे तो आपके परिवार वाले संक्रमित होंगे। इंडिया न्यूज लगातार दर्शकों को बता रहा है कि देखिए स्वस्थ रहिए, त्यौहार मनाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंस शारीरिक दूरी के साथ साथ जो कोरोना का गाइडलाइन है उसे पालन करते हुए चले। देखिए आप किस तरीके से जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं भी मास्क नहीं लगाई हैं, कुछ लोग एक महिला लगाई है, ये भी चेहरे पे फंसते हुए मतलब आधा चेहरा दिख रहा है, यानी कि ये मास्क का कोई मतलब नहीं हुआ। ये देखिए कुछ तरीके से, इधर भी देखिए कुछ लोग लगाए हैं, ये भी देखिए छोटा बच्चा है वो भी मास्क नहीं लगाया। तो प्रशासन किस किन किनको समझाए, किस तरीके से समझाए, यदि पर्व पे रोक लगा दे तो लगातार तमाम तरीके से बात होती है, वादविवाद होती है कि आस्था से खिलवाड़ किया जाता है, लेकिन जब आस्था से खिलवाड़ ना किया जाए, सारे पाबंदी हटाकर आपको भेजा जा रहा है घाट पे नहाने के लिए, तो एक बस